यूडीसीआर में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे ईसीआई क्रेफेल T10 का जो नेक्स्ट मैच खेला जाएगा उस मैच के बारे में। इस टूर्नामेंट का ना ये पहला मैच होगा दोस्तों, क्योंकि खेला जाएगा आपके जर्मनी और बेल्जियम के बीच में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में, उसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना दोस्तों। स्किप करोगे बहुत सारे अपडेट्स मिस कर जाओगे, स्किप मत करना। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार आपको हमारे जो यूज़र्स हमसे जुड़े हुए हैं वो हमारे टीम से कितना विन कर रहे हैं वो एक बार आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे यूज़र्स की ना विनिंग्स एक बार आप जल्दी से देख लीजिए। चलिए आपको हमारे जो यूज़र्स हैं ना वो हमारे टीम से कितना विन कर रहे हैं वो एक बार आपको दिखाते हैं। चलिए उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वाला सब्सक्राइब के बटन को जो मैं मार्क कर रहा हूँ इस पर टैप करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर देना। उसके बाद वीडियो को एक लाइक करना है आपको, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको मोर का बटन दिख रहा है ना, ये जगह इस जगह पर आपको टैप करना है और नीचे आना है। ये देखिए सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का दोस्तों, ये वाला लिंक, ये देखिए इस वाले लिंक पर आपको टैप करना है। हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा आपको, ताकि आप हमारे यूज़र्स की तरह ना विन कर पाओ। तो आपको हमारे यूज़र्स की विनिंग दिखाते हैं। चलिए ये देखिए गोडल गेमिंग, सर आपकी टीम से मैंने 70,000 विन किया दोस्तों, 70,000 विन किया इन्होंने, कितना 70,000 दोस्तों। उसके बाद सर मैंने CPL में 2,00,000 विन किया, देखिए कैरेबियन प्रीमियर लीग जो चल रहा है ना उस पर इन्होंने लास्ट मैच में 2,00,000 विन किया दोस्तों। उसके बाद हिमानी गर्ग, सर मज़ा आ गया, इतनी नॉलेजेबल वीडियो आने आज तक नहीं देखी, कल मैंने आपके टीम से 75,000 जीता, 75,000 दोस्तों इन्होंने 75,000 विन किया हमारी टीम से। उसके बाद ये देखिए वाओ अमेजिंग क्या टीम बनाते हैं, हैट्स ऑफ टू यू। उसके बाद ये देखिए सर मेरी थर्ड रैंक आई 1800 टीम्स में, सर आपके वजह से सर आपके सारे वीडियोस में बिना स्किप करे देख दो, तो मैं ही तो बता रहा हूँ बिना स्किप करे देखना, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको तभी विन कर पाओगे। हर एक कॉन्टेस्ट विन किया इन्होंने, देखिए हर एक कॉन्टेस्ट विन करे, ग्रैंड लीग में इनकी रैंक थर्ड आई, क्योंकि हमारा वीडियो है ना पूरा वीडियो देखते बिना स्किप करे देखते, इसलिए इन्होंने की इतनी अच्छी रैंक आई दोस्तों। उसके बाद ये देखिए अजय कुमार जी लिखते हैं, सर आपकी टेलीग्राम वाली टीम से मैंने 19,000 जीत दिया, थैंक यू सो मच UDCR। किस टीम से? टेलीग्राम वाले टीम से। तो इसका मतलब कि आपको हमारी जो फाइनल टीम आती है ना जो प्राइम टीम से ये सारे यूज़र्स जीत रहे हैं ना, इसका हर एक फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो इस वाले लिंक पर आपको टैप करना है और आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है ये देखिए दोस्तों, इस पर ही हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ये देखिए फाइनल टीम। उसके बाद ये देखिए हमारी फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगी सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए दोस्तों। तो ये देखिए, तो अगर आपको भी इन सभी यूज़र्स की तरह एक तरफा विन करना है, पहले तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस वाले जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ ठीक इस जगह पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलिए अभी शुरू करते वीडियो और मैच के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तरह अगर आपको भी एक तरफा क्लीन स्वीप करना है आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, दूसरा आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पर ही हम फाइनल अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे, और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बिना स्किप करे ना पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं अभी इस मैच की। तो पहले तो हम मैच पर चलेंगे, क्रिएटिव पर जाएंगे, और पहले फ़िल्टर लगाएंगे हम जर्मनी के ऊपर। तो एक बार जर्मनी का पिछला मैच देखा जाएगा। तो ये रहे दोस्तों, तो इनके प्लेयर्स के ना रिसेंट स्टैट्स देख लेते हैं कि रिसेंटली किन किन प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया, उनके रिसेंट स्टैट्स एक बार आप देख लीजिए।
तो अगर बात करें बेल्जियम की विकेट कीपिंग में ए राजा दोस्तों खेलेंगी और जर्मनी की टीम से खेलेंगी एस आघा, तो इन दोनों में से ना राजा ही एक प्लेयर है जो अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। आघा तो कुछ खास कर नहीं रहे, 12 12 पॉइंट मतलब एक एक कैच या रन आउट के पॉइंट्स ही दे रहे। अगर बैटिंग की बात करें बेल्जियम की टीम से यहाँ से भट्ट खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे दोस्तों, 20 21 पॉइंट ठीक ठाक सर, 20+ पॉइंट हर एक मैच में आपको दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से विशकरण की बात करें, रिसेंट फॉर्म देखिए काफ़ी तगड़ा है इनका रिसेंट फॉर्म, तो यहाँ से एक तो प्लेयर बन जाएंगे विकेट कीपिंग से ए राजा दोस्त। ये दूसरा अगर बैट्समैन की बात करें बैटिंग सेक्शन से, यहाँ से ए वीरकरण, यहाँ से जर्मनी की टीम से जेस सिंह, और यहाँ से आपको खेलते हुए दिखेंगे अभी के लिए दो ही खेलेंगे खेलते हुए मुझे दिख रहे हैं जितना लगता है, एक तो आगे वैशीकरण और एक जसकरण सिंह जे सिंह, तो दोनों को लिया जाएगा, दोनों ही काफ़ी अच्छा कर रहे हैं दोस्त। अगर बात करें यहाँ से बेल्जियम की बैटिंग की, यहाँ से आपके एस भट्ट खेलेंगे, यहाँ से आपके खेलेंगे कौन, ओ रहमानी, सुलबन खेल, एस शाह दोस्तों। इनमें से अगर प्लेयर की रिसेंट फॉर्म की बात करें सभी ठीक ठाक करे, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा। आर सिंह बॉलिंग कर रहे क्या? हाँ एवरेज 1 ओवर बॉलिंग करते ही है हर एक मैच में। इम्पोर्टेंट तो बन जाते तो देखते हैं यहाँ पर, अगर मुझे एक और बैट्समैन लेना एक आगे बात करने के देखते हैं, मुझे अभी कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर बेजल की टीम से जाखिल आपको खेलते देखेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में से अच्छे प्लेयर है, इनको आप चाहो तो ले सकते हो, या से नियाजी। तो अभी के लिए मैं पिक करूँगा यहाँ से, कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा, यहाँ से मैं जर्मनी के टर्म से प्रूस और आसिफ, एम आसिफ दोनों को लिया जाएगा, और एस ए जे आर, प्रूस आसिफ और एस ए जे आर दोस्त। ये बंदा जो है ना एस ए जे आर, ये आपके लिए आज के मैच में एज ए ट्रम्प कार्ड काम करेंगे। सिलेक्शन देखिए 20% है, ये बंदा 2 ओवर बॉलिंग करते हैं, बहुत बॉलिंग नहीं बहुत तगड़ी बॉलिंग करता है दोस्तों, डेथ में आता है, प्लस इन्हें कभी कभार ओपनिंग में करने आते हैं दोस्तों। तो टॉस के बाद ना जब लाइनअप्स आएगा तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर ये ओपनिंग कर रहे हैं क्या नहीं। अगर ये ओपनिंग करेंगे तो इनसे बढ़िया कैप्टनसी का मटेरियल दोनों ही टीमों में मिला के भी नहीं है दोस्तों, याद रखना। यहाँ से बेल्जियम की टीम से इकरामी खेल रहे, अच्छा शिरजा देख कर हर एक मैच में निकाल रहे, बाकी मुझे ऐसा कोई प्लेयर लग नहीं रहा जो रेगुलरली परफॉर्म करे, तो एक इकरामी और शहजाद ये दो अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। तो कमी मुझे अभी एक बैट्स, अभी मुझे बेल्जियम की टीम से कुछ प्लेयर्स लेने पड़ेंगे जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट्स देंगे। तो यहाँ से ओ रहमानी का बैटिंग ऑर्डर और कितने ओवर, 6th इन का बैटिंग ऑर्डर, एस भट्ट, शेरी भट्ट का बैटिंग ऑर्डर 4th पे है दोस्तों, और एस शाह 2 ओवर बॉलिंग करते हैं दोस्तों हर एक मैच में ये, और यहाँ से सुलाम खेल का बैटिंग ऑर्डर दोस्तों यहाँ से ओपनिंग कर जाते हैं जो दोस्तों। तो एक तो सुलाम खेल मेरे टीम में आ जाएंगे ये, और दूसरे दोस्तों यहाँ से जैसा कि मैंने देखा है एस शरक दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों 2 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं। तो अगर एक मुझे एक और बॉलर लेना पड़े या जखील को ले लेते हैं एक सेफ पिक, तो कुछ इस तरह से मेरी टीम निकल के आ चुकी है, आप एक बार इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए। बाकी अगर सी और वीसी की बात करें आपके लिए 3 ऑप्शन सबसे बढ़िया है, एक तो आगे एप्रूस, जखील, आसिफ, और जखील नहीं सॉरी दोस्तों जखील को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करें या फिर एक स्मॉल लीग में, ये 3 आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है सी और वी सी के दोस्तों, आप एक प्लेयर्स का प्रीव्यू एक बार देख लीजिए। तो कुछ इस तरह से है, अगर मेरे मानो तो ना, अगर ये एस अफरीदी जूनियर को अगर बैटिंग में ऐसा है ना ओपनिंग दिखाए ना, इनको डायरेक्टली आपको कैप्टन बना देना है अपनी टीम का, याद रखना। अभी के लिए पुरुष और आसिफ को मैं अपना सी और वी सी बना रहा हूँ, बट अगर ये टीम पहले बॉलिंग करे और ये टीम ये अफरीदी को ना एस अफरीदी को ओपनिंग शो करे, इनको मैं कैप्टन बना दूंगा। और ग्रैंड लीग में तो आपको एस अफरीदी जूनियर के कैप्टन बनाना ही बनाना है, इसमें कुछ दो राय है नहीं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप एक बार टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, अगर इसमें मैं कुछ चेंज करता हूँ अगर आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा।
चेंज क्या हो सकता है, मैं बैटिंग में किसी एक को ड्रॉप करके कोई एक बॉलर या जर्मनी की टीम से कोई एक बॉलर बैट्समैन में रख सकता हूँ दोस्तों, ये मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं चेंज करता हूँ तो आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।